बहुत ही मजेदार तीखा चटपटा अचार जो बिना धूप के मिनटों में होगा तैयार। सर्दियों का बहुत ही स्पेशल और एकदम फटाफट बनने वाला गाजर मूली हरी मिर्च का मजेदार अचार, जिसको आप मिनटों में तैयार करेंगे, इतना टेस्टी बनता है कि आप हमेशा इस अचार को तो ऐसे ही बनाना चाहेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो जबरदस्त टेस्टी अचार मसाला, जिससे आप किसी भी तरीके का अचार मिनटों में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका, कोई मेहनत नहीं, अभी बनाइए, अभी खाइए। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर्दियों का बहुत ही स्पेशल चटकारेदार क्विक एंड इजी गाजर मूली मिर्च का मिक्स अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 2 मूली, 2 गाजर और लगभग 15-16 हरी मिर्च। साथ ही मैंने लिया है 2 इंच अदरक का टुकड़ा। सभी चीजों को पहले मैंने बढ़िया से धो लिया, धो करके अच्छी तरीके से इन सबका छिलका उतार दिया। यहाँ सबसे जरूरी चीज कि जो आप हरी मिर्च लेंगे, हरी मिर्च को बढ़िया से धोकर पहले पोंछ लें, और पोंछ करके हरी मिर्च का ये वाला जो डंठल होता है ना, इसे जरूर हटा दें, क्योंकि ये जो डंठल है ये अचार को जल्दी खराब कर देता है, फंगस लग जाती है, तो इसको हटाकर ही हमें हरी मिर्च को लेना होगा। इस अचार में अदरक डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, बहुत अच्छा लगता है, सर्दियों में गर्माई देता है अदरक, तो इस अचार के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आप लहसुन भी लाइक करते हैं तो यहाँ पर 15-20 कली लहसुन की भी डाल सकते हैं। अब जो सबसे जरूरी चीज है गाजर मूली मिर्च के अचार की, वो होता है उसका टेस्ट और इसकी कटिंग। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस अचार की कटिंग कैसे करनी है। तो आप लीजिए मूली, मूली का छिलका छीलने के बाद आगे पीछे से कर दीजिए कट, और इसको हम करेंगे फिंगर कट। तो इस तरह से बराबर बराबर हिस्सों में मूली को पहले कट कर लेंगे। एक्चुअली जो गाजर मूली वगैरह का अचार होता है ना, उसमें ना कटिंग भी बहुत मायने रखती है, बढ़िया लगता है अचार देखने में। इस तरह से कीजिए बीच में से कट, और बीच में से कट करने के बाद इसे इस तरह फिंगर कट कर लीजिए। इसे लुकिंग बहुत सुंदर आएगी और जो अचार है फटाफट बन जाएगा। और गाजर को भी बिल्कुल इसी तरह से फिंगर कट कर लेंगे। बहुत ही इंस्टेंट अचार है, फटाफट आप इसको तैयार कर सकते हैं और तुरंत की तुरंत बनाकर आप इसके टेस्ट का एंजॉय कर सकते हैं। और हरी मिर्च को भी बस इस तरह से बीच में लगाइए कट, और अब आप इस तरह से बीच में से यहाँ से कट कर दीजिए। सीजर से काटना इसलिए आसान रहता है क्योंकि तो कटती आसानी से, हाथों में चलन नहीं होती। चाहे तो नाइफ से कट कर लीजिए थोड़ा सा हाथ पर तेल लगा करके। तो इसी तरह से हरी मिर्च को भी फिंगर कट कर लेंगे। हरी मिर्च आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं, ज्यादा तीखी पसंद करें तीखी वाली ले सकते हैं, जैसे ये तीखी है। कम तीखा पसंद करते हो तो थोड़ी मोटी वाली ले लीजिए। और अदरक को भी जूलियंस में कट कर लेंगे। और ये लीजिए, सभी चीजों को मैंने बिल्कुल बढ़िया से इस तरह कट कर लिया है। अभी देखने में कितना सुंदर दिख रहा है। तो चलिए अब बनाते हैं वो स्पेशल चीज जिसके बगैर तो अचार ही अधूरा है, यानी स्पेशल वाला अचार मसाला। ऐसा अचार मसाला आपको बनाना बता रही हूँ जिसको आप लंबे समय के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और किसी भी अचार में आप उसे यूज कर सकते हैं। स्पेशल अचार मसाला बनाने के लिए सबसे पहले आप गैस पर चढ़ाइए एक पैन, फ्लेम को कर देंगे लो। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच सरसों के दाने। सबसे जरूरी एलिमेंट होता है अचार का, अचार को प्रोटेक्ट करता है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और 1 बड़ा चम्मच ले रही हूँ पीली वाली राई, यानी येलो मस्टर्ड। अगर हो तो जरूर डालें, नहीं हो तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। पीली सरसों अचार में बहुत ही बढ़िया लुकिंग देती है, टेस्ट देती है, खटास बढ़ाती है। साथ ही लेंगे 12-15 के करीब साबुत काली मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच जीरा। फ्लेम पर पहले राई वगैरह को कुछ सेकंड के लिए हल्का सा करेंगे रोस्ट। मैंने हाल फिलहाल में अभी आपके साथ इंस्टेंट नींबू का अचार, आंवले का अचार और हरी मिर्च का अचार शेयर किया है, आप जरूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। फटाफट बन जाता है, कोई मेहनत नहीं, और काफी दिनों तक वो चलता है। ये वाला अचार तो फटाफट बनाइए, आराम से महीने भर चलेगा, बिल्कुल खराब नहीं होगा। जब सब चीजें हल्की सी गर्म हो जाए, कुछ सेकंड बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच मेथी दाना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, और 2 छोटे चम्मच डाल रही हूँ हरी सौंफ, मोटी बारीक जो भी हो आप वो ले लें। और 1/2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ अजवाइन, इस तरह क्रश करके। साथ ही जब हम हल्का सा इस तरह से मसालों को रोस्ट करते हैं तो जो इसमें एसेंशियल ऑयल होते हैं ना, वो एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से खुशबू बहुत बढ़िया आती है। तो लीजिए, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, सभी चीजें बिल्कुल बढ़िया से रोस्ट हो गई है। तो इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और मसाले को हल्का ठंडा होने देंगे। अब आप लीजिए 1 ग्राइंडिंग जार, और सारे ड्राई रोस्ट किए हुए मसाले को ठंडा हो जाने के बाद हम अपने ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। अब यहाँ मसाले को हमें पीसना होगा दरदरा, यानी मोटा मोटा सा, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये जो अचार है ना, इसमें जो मोटे मोटे दरदरे से मसाले दिखते हैं उसी का टेस्ट आता है। तो इसको पल्स पर रुक रुक कर हल्का सा पीस लेंगे। और लीजिए, हमारा बेहतरीन अचार मसाला है बिल्कुल तैयार। और अभी इस अचार मसाले में हम डालेंगे कुछ फ्लेवरफुल चीजें। तो 2 छोटे चम्मच मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, इससे जो कलर है अचार में बिल्कुल जैसे बाजार के अचार होते हैं वैसा कलर आ जाएगा, क्योंकि इस मिर्च में मिर्च नहीं होती है पर कलर बढ़िया आ जाता है, एकदम माइल्ड होती है ये।
आप इसकी जगह अगर नॉर्मल मिर्च डाल रहे हैं तो फिर एक छोटी चम्मच डालें। साथ में इसमें जाएगी आधा छोटी चम्मच हल्दी और आधा छोटी चम्मच जाएगी कलौंजी, जिसके बगैर तो अचार ही अधूरे हैं। कलौंजी को भूना नहीं जाता, इसी तरह डालेंगे। अब सब चीजों को मिक्स कर देंगे। इसमें मैंने नमक अभी नहीं डाला है, नमक जब अचार बनाएंगे ना तब डालेंगे। अब ये स्पेशल अचार मसाले को आप लंबे समय के लिए स्टोर करके रख लीजिए, चाहे तो बाहर रख लीजिए या फ्रिज में रख लीजिए, साल भर खराब नहीं होगा। फिर चाहे अचारी मठरी बनाइए, अचारी पराठा बनाइए, आप बैगन बना रहे हैं भरवा उसमें यूज कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा और किसी भी तरीके के अचार में आप इसको डाल सकते हैं। लीजिए, हमारा बहुत ही बढ़िया शानदार स्पेशल अचार मसाला है बिल्कुल तैयार। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं अपना इंस्टेंट गाजर मूली हरी मिर्च अदरक का मजेदार अचार। फटाफट वाला मिक्स अचार बनाने के लिए आप गैस पर चढ़ाइए एक कढ़ाई, फ्लेम को रखेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे लगभग आधा कप के करीब सरसों का तेल, ऐसे मान लीजिए आधे कप से थोड़ा सा कम। सरसों के तेल में अचार बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत दिनों तक खराब नहीं होते। चाहे तो आप इसकी जगह कोई भी दूसरा ऑयल यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर सरसों के तेल को पहले हम करेंगे धुएंदार गरम, यानी स्मोकिंग पॉइंट तक इसको गरम करना जरूरी है, जिससे कि जो इसमें पंजेंट स्मेल होती है ना तीखी वाली, वो खत्म हो जाए। तेल बिल्कुल धुएंदार गरम हो गया है तो इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे। कुछ क्षण तेल का जो टेम्परेचर है उसको कम होने देंगे, एकदम से नहीं डालेंगे मूली वगैरह वरना चीजें जल जाएंगी। हल्का सा जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें सब चीज डालेंगे और तेल के हल्का सा ठंडा होते ही वापस गैस को ऑन करेंगे, फ्लेम को रखेंगे लो और इसमें हम डालेंगे एक चौथाई छोटी चम्मच हींग, जो कि अचार में बहुत बढ़िया फ्लेवर देगी। और बस इसके बाद हम सारे कटे हुए गाजर मूली हरी मिर्च अदरक सब इसमें डाल देंगे और लो फ्लेम पर बढ़िया से सभी चीजों को करेंगे तेल के साथ मिक्स। यहाँ पर हमें गाजर मूली इन सब चीजों को बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं गलाना है, बस 2 से 3 मिनट, ऐसा कि बस ये हल्के से नरम हो और इनका क्रंच बना रहे, तभी जो अचार का टेस्ट है बढ़िया आता है। लीजिए, तो बढ़िया से सब चीजों को मिला दिया। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ हमारा तैयार अचार मसाला। तो पहले मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच के करीब, जरूरत अनुसार थोड़ा और ऐड कर लेंगे अगर लगेगा तो। अच्छे से करेंगे अचार को अचार मसाले में मिक्स। ओह माय गॉड, क्या यम्मी दिख रहा है। लीजिए, बिल्कुल बढ़िया से मैंने अचार मसाले में अचार को कर दिया है पूरा कोट, फ्लेम बिल्कुल लो है और बस फटाफट से इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे नमक। तो अचार वगैरह में ना थोड़ा ज्यादा नमक अच्छा लगता है, तो 2 छोटे चम्मच के करीब मैं नमक डाल रही हूँ। बस 2 से 3 मिनट ही हमें इसको सब चीजों के साथ पकाना है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पकाएंगे। वाओ, सो यम्मी, मतलब लग रहा है बस निकालो खाओ, मेथी आलू का पराठा मजा ही आ जाएगा। और बस अच्छे से सब चीजों को मैंने मिक्स कर लिया है और 2 से 3 मिनट बाद गैस को करेंगे बंद। 1 बड़ा चम्मच सफेद सिरका, यानी व्हाइट विनेगर, सिंथेटिक विनेगर। विनेगर इसको खटास देगा, साथ के साथ अचार को बहुत दिनों तक खराब नहीं होने देगा। तो अगर है तो आप जरूर डालिए, सिरका ना हो तो यहाँ पर फिर आप 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर डाल लीजिए। सिरके से यह है कि बाजार जैसा टेस्ट आएगा, प्लस वो बहुत दिनों तक अचार को खराब नहीं होने देगा। तो बस 30 सेकंड और इसको लो फ्लेम पर सिरके के साथ पका लेंगे, गैस को करेंगे बंद और अचार को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारा एकदम झटपट बनने वाला बिना धूप लगाए इंस्टेंट गाजर मूली मिर्च का अचार। ब्रेकफास्ट में खाएंगे तो किसी सब्जी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे लंच बॉक्स में लेके जाएं या कभी भी इसको आप एंजॉय करें दाल चावल पूड़ी पराठा रोटी किसी के साथ भी। पूरे 1-1.5 महीने भी ये खराब नहीं होगा। फ्रिज में रखिए इसको और साफ चम्मच से अचार को निकालिए, बहुत ही मस्त अचार बनता है ये, आपको बहुत पसंद आएगा। जरूर बनाएं, मुझे जरूर बताएं अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में कैसी लगी आपको इंस्टेंट झटपट वाले इस अचार की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।